मेरा नाम नरेंद्र गहलोत है और मैं जमशेदपुर एफसी का डिफेंडर हूँ। मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ, हमारा गांव है विलेज मित्राओं विलेज, तो वहीं पैदा हुआ। और लाइक हमारी जॉइंट फैमिली है, तो हम मेरे चाचा एक स्पोर्ट्स प्लेयर थे, क्रिकेट खेलते थे वो, तो वो चाहते थे कि मैं भी एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनूँ। तो वो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट में दिखाते थे कि मैं एक क्रिकेट प्लेयर बनूँ। तो उसके बाद फिर एक दोस्त ने मुझे फुटबॉल खेला एक दिन लेकर गया वो, और फुटबॉल खेलने गया तो मैं रात को घर पे लेट आया, थोड़ा 8-9 बज गए थे आते आते। तो चाचा ने पूछा कि कहाँ गया था तू, इतना लेट कैसे हो गया? तो मैंने बताया कि मैं ऐसे फुटबॉल खेलने गया था। तो उस दिन मैं नंगे पैर ही गया था दोस्त के साथ, नंगे पैर खेला था। तो नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फुटबॉल बूट ला कर दिए और फिर उधर से मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। नहीं, उसके बाद फिर मेरे एक भैया थे शेखर भैया, उन्होंने हमें गाँव में खिलाना स्टार्ट किया। तो हम लोग 15 लड़के होंगे, 15-20 लड़के, तो हमें दोनों टाइम ट्रेनिंग कराते थे। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि एक एकेडमी है दिल्ली में IYS, तो हमारे वहाँ से एक दो जो सीनियर थे मेरे वो वहाँ पर जाते थे ट्रेनिंग के लिए। तो फिर मैंने वो IYS एकेडमी ज्वाइन की। तो वही था कि उसमें मुझे ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा था, लेकिन वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी थी। वो एक NGO था, तो वो हमें बूट प्रोवाइड करते थे, फुटबॉल जर्सी शॉर्ट सब। तो वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बहुत लाइक अच्छे कोचेस थे, तो उन्होंने मुझे ट्रेन किया वहाँ पर। तो IYS से ऐसा था कि मुझे घर से 2 बस बदल के जाना पड़ता था ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें ऑलमोस्ट जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, फिर आने के लिए भी 2 घंटे, तो उसमें भी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। लेकिन यही था कि मैं खुश था वो ट्रेनिंग करके वहाँ पर IYS अकेडमी में। उसका बैकग्राउंड यही था कि मतलब मुझे दिल्ली से बाहर जाना था और खेलना था, और मुझे किसी ऐसी जगह पर जाना था जहाँ पर मैं रहूँ और मेरे पास में ही ग्राउंड हो। तो फिर मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि CFA के एक अकेडमी है, और वहाँ पर उस CFA की टीम से 4-5 लड़के जो अभी इंडिया टीम में सिलेक्ट हुए हैं। तो फिर उस ट्रायल के लिए मैं गया था, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हुआ CFA के लिए। उससे पहले मैंने जलंधर गया था मैं ट्रायल देने के लिए, मालपुर अकेडमी, रुड़का कला और दलबीर फुटबॉल अकेडमी। तो वहाँ पर हम लोग सिलेक्ट हुए थे, हम लोग 4-5 लड़के गए थे दिल्ली से। तो सिलेक्ट होने के बाद कोच ने पूछा कि तुम लोग कहाँ से हो, तो हमने बताया कि हम लोग दिल्ली से हैं। तो उन्होंने बोला कि हम लोग अदर स्टेट्स के प्लेयर सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम लोग वापस आ गए थे, तो उसी के जस्ट नेक्स्ट मंथ ही CFA के ट्रायल थे, तो मैंने वो ट्रायल दिए और मैं CFA में सिलेक्ट हुआ। CFA में मेरे कोच थे बेदी सर। जब मैं स्टार्टिंग में गया तो मुझे सबसे बड़ी खुशी यही थी कि ग्राउंड बहुत पास में था, और वहाँ पर फैसिलिटी गवर्नमेंट अकेडमी थी वो, और जिम पास में था और ग्राउंड पास में था और सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वहाँ पर। तो बेदी सर बस हम यही बोलते थे कि जब हम लोग ट्रेनिंग करते थे तो बोलते थे कि अमरजीत संजीव सुमित, तो वो उस टाइम पे ये लोग इंडिया कैंप में थे, तो वो हमें मोटिवेशन मिलता था कि इस अकेडमी से लड़के इंडिया टीम में खेल रहे हैं तो हम लोग भी खेल सकते हैं। वो ऐसे ही बोलते थे कि अगर तुम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है, क्योंकि CFA और टाटा फुटबॉल अकेडमी है, ये दोनों बहुत बड़े नाम इंडिया में आई थिंक अभी तक, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्लेयर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो बोलते थे कि ऐसे अपना टाइम ख़राब मत करो, अगर यहाँ पर आए हो और घर से दूर हो तो मेहनत करो, तुम्हें भी इंडिया खेलना है तो तुम्हारा एम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वापस घर जाओगे और अपने गाँव में जाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट है वो लाइफ। लाइक CFA के बाद उसके बाद मुझे पता चला कि एक नॉर्थ इंडिया में साई के ट्रायल होने वाले थे, वो ट्रायल देहरादून में थे। तो मैंने बेदी सर से बात की उस चीज़ के बारे में, तो बेदी सर ने मुझे लाइक पर्सनली मैंने बात की थी उनसे कि मुझे इस ट्रायल के लिए जाने दो प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उन्होंने मुझे हेल्प की और एकेडमी से छुट्टी दिलवाई। फिर मैं ट्रायल के लिए गया, उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ वहाँ पर। तो उसके बाद मैं वापस आया तो हरियाणा में कैंप हुआ हमारा साई का, नॉर्थ के जितने भी लड़के सिलेक्ट हुए थे उस कैंप के लिए। तो उधर कैंप के बाद हम लोगों ने दिल्ली में मैच खेला अंडर 15, जो 2 साल के बाद वर्ल्ड कप खेलने वाली थी वो टीम। तो उस टीम के अगेंस्ट मैंने मैच खेला साई की टीम से। तो उस टीम में जब मैंने मैच खेला तो उसके बाद अभिषेक सर ने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि तूने अच्छा खेला है और हम लोग तुझे कैंप के लिए बुलाएंगे गोवा में। या उस टाइम पर जब नॉर्थ में ही क्वालिफाई राउंड चल रहा था नाइकी प्रीमियर कप का, तो उस टाइम पे मुझे इंडिया कैंप से कॉल आया, तो मैंने वो मिस किया और मैं इंडिया कैंप में आया। फिर उसके बाद जब मैं वापस गया एग्ज़ाम के लिए, तो उसके बाद मुझे पता चला कि फाइनल राउंड है, और जिस डेट को मेरी ट्रेन थी गोवा आने के लिए अमरजीत और संजीव के साथ,
तो उसी डेट को मेरे पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट थी, तो उस वजह से मैंने वो ट्रेन मिस की। और उसके बाद फिर बजाज सर ने मुझे बोला कि हम लोग तुझे यहाँ से लेके चलते हैं नाइकी प्रीमियम कप खेल के, उसके बाद तू कैंप ज्वाइन कर सकता है। तो फिर मैं वहाँ गया, फिर उसके बाद हम लोगों ने नाइकी प्रीमियम कप खेला और उसके बाद फिर मैंने कैंप ज्वाइन किया था।